हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेंचुरी मीटर के बारे में। वेंचुरी मीटर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स को यूनिट वन में फ्लो ऑफ फ्लूइड चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलता है। सो वेंचुरी मीटर क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो वेंचुरी मीटर हमारी एक मेजरिंग डिवाइस है। तो ये क्या मेजर करती है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में ऑरिफाइस मीटर के बारे में पढ़ा था ना, बस वैसा ही है। ऑरिफाइस मीटर जैसे आपके इस, मान लीजिए यहाँ से आपने एक लिक्विड इसके अंदर डाला है, अब आपको इस लिक्विड का जो फ्लो रेट है वो पता लगाना है। तो जो भी फ्लो रेट मेजरमेंट करने के लिए डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, उसमें से वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिवाइस है आपकी वेंचुरी मीटर। तो वेंचुरी मीटर क्या है, वेंचुरी मीटर आपका फ्लूड के फ्लो रेट को मेजर करने की एक डिवाइस है, जिसको हम डायग्राम यहाँ पे समझते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से दिखाई देता है। आपको अगर ऑरिफाइस मीटर का डायग्राम याद होगा, काफ़ी कुछ उससे मिलता जुलता है ये। तो इसमें भी आपका दो टेपर्ड एंड होते हैं, एक शॉर्ट टेपर्ड एंड होता है और एक लॉन्ग टेपर्ड एंड होता है। जो शॉर्ट टेपर्ड एंड होता है वो ये है जो मैंने ब्लू से बनाया हुआ है। उसके जस्ट बाद यहाँ पर एक वेंचुरी स्टार्ट होती है। वेंचुरी का मतलब है एक तरीके से आपने कॉन्स्ट्रिक्शन किया है, आपने यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन लाया है। तो उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, डायामीटर जो है वो पाइप का थोड़ा सा नैरो हो जाता है, आप देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर हिस्से को हम थ्रोट ऑफ वेंचुरी कहते हैं। उसके बाद इस थ्रोट ऑफ वेंचुरी के बाद आपका, आपको एक लॉन्ग आर्म नज़र आती है, जिसे आप लॉन्ग टेपर्ड आर्म या लॉन्ग टेपर्ड एंड कहते हैं। यहाँ से आपका वाटर का फ्लो स्टार्ट होता है, इसको आप स्ट्रीम कहते हैं। फिर वो वाटर जो है आपका इस पर्टिकुलर थ्रोट ऑफ वेंचुरी से गुजरता है, तो वहाँ पर उसके फ्लो डायनामिक्स में चेंज आएगा। देन दिस वाटर विल एंटर इन टू दिस आर्म एंड देन अगेन द फ्लो डायनामिक्स विल चेंज इन दिस डाउन स्ट्रीम पोर्शन। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसके डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, यहाँ पर मैंने दो पॉइंट्स बना रखे हैं, एक ये पॉइंट है ए, एक ये पॉइंट है बी। इन दोनों पॉइंट्स को आप नीचे से मैनोमीटर से जोड़ देते हैं, ताकि आप क्या देख सकें, यहाँ पर आप मर्क्यूरी का डिस्प्लेसमेंट देख सकें। फॉर एग्जांपल, जब कोई प्रेशर चेंज नहीं होगा यहाँ पे, तो जो मर्क्यूरी का लेवल होगा वो यहाँ रहेगा दोनों आर्म्स में, पर जैसे ही आपका प्रेशर ड्रॉप करेगा तो मर्क्यूरी का लेवल आपका डिफरेंट आ जाएगा, क्योंकि आपका मर्क्यूरी डिस्प्लेस होगी। लेट्स से उसकी हाइट आपका ओरिजिनल से न्यू हाइट आपका आर डिस्प्लेसमेंट शो करती है, जिसको हमने आर से दिखा दिया। ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ये आपकी हाइट में आ रहा है, तो इसको आप डेल्टा एच भी लिख सकते हैं। तो यूजुअली हम मैनोमीटर में जो प्रेशर मेजर करते हैं वो हम इन टर्म्स ऑफ हाइट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ हाइट डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो चलिए इसके बारे में आगे को देखते हैं कि अब क्या करना है आपने। देखिए, वेंचुरी मीटर में हमने सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ जैसे ही वाटर ऐड करा है, तो वाटर क्या करेगा, अपना एक सर्टेन रेट से आपका फ्लो करेगा। मान लो जब वो ए पॉइंट पर था, तो उसकी वेलोसिटी रही होगी म्यू ए, ठीक है। अब वो चला गया आपके, यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो थी आपका वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज म्यू ए, ऑलराइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी इसकी क्या रही होगी, कम रही होगी। जैसे जैसे ये वाटर आपका पहुंचा होगा आपके इस पे, दैट इज वेंचुरी पे, तो हम इसको लिख देते हैं म्यू वी, वेलोसिटी एट वेंचुरी। तो यहाँ पर क्या होगा, आप खुद सोच के बताइए, जब डायमीटर नैरो हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी पानी की या फ्लूइड की, वो आपका बढ़ जाएगी। तो आपका, आप ये लिख सकते हैं कि आपकी जो वेलोसिटी है आपके वेंचुरी पर वो क्या है, वेलोसिटी एट वेंचुरी इज ग्रेटर ग्रेटर देन वेलोसिटी एट पॉइंट ए। इसका जो कोरिलेशन है वो हमें कैसे मिलेगा, एक्चुअली वेलोसिटी और प्रेशर के बीच का रिलेशन जो है वो हमें बताया है बर्नौली ने। बर्नौली ने एक कोरिलेशन एस्टेब्लिश किया है, जैसे ही वेलोसिटी बढ़ती है तो प्रेशर क्या होता है, ड्रॉप होता है। यानी कि अगर हम कहते हैं कि वेंचुरी पर यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर लो होगा और यहाँ ए पर प्रेशर जो है वो हाई रहेगा, ठीक है। और ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ बर्नौली, बिकॉज बर्नौली कहते हैं इंक्रीज इन वेलोसिटी causes decrease in pressure, यानी कि अगर वेंचुरी पर वेलोसिटी ज़्यादा है as compared to पॉइंट ए पर वेलोसिटी के, तो जो प्रेशर होगा वेंचुरी पर वो लेस होगा देन द प्रेशर एट पॉइंट ए। यहाँ से हमें ये समझ में आ गया। अब क्या होता है, यहाँ पर जैसे आपके ऑरिफाइस में होता था ना कि डायमीटर जो होता था, यहाँ वाला डायमीटर जो होता था वो इसका 1/5 होता था, ठीक है। मान लो इस वाले पाइप का डायमीटर जो है वो 15 है, तो जो यहाँ पर होगा, यहाँ पर डायमीटर होगा वो 15 का 1/5, यानी कि 3 सेंटीमीटर रहेगा।
ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, वेंचुरी मीटर में भी डायमीटर जो है वो वेंचुरी पर क्या है, बहुत छोटा है। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन निकल के आती है वो आती है वेलोसिटी एट वेंचुरी इज इक्वल्स टू सी वी अंडर रूट 2g डेल्टा एच। ये हमारी इक्वेशन है वेंचुरी मीटर की। तो यहाँ पे म्यू वी क्या है, म्यू वी है आपका वेलोसिटी एट वेंचुरी, सी वी है आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेंचुरी मीटर, 2g तो कांस्टेंट ही, और डेल्टा एच है आपका चेंज और डिस्प्लेसमेंट इन हाइट इन मैनोमीटर। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, हमारे लिए आसान हो जाता है म्यू ए को कैलकुलेट करना। हमारे पास मान लीजिए इक्वेशन वन है, अगर हम यहाँ से मैनोमीटर से इस डिस्प्लेसमेंट को दैट इज डेल्टा एच को फाइंड आउट कर लें, तो हमारी क्या होगी, हम इस एच की वैल्यू को अपनी इस इक्वेशन नंबर वन में पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा आपका, अगर हमारे पास हमें सी वी पता है, ठीक है, अंडर रूट हमें 2 पता है, हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पता है, यहाँ पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पुट कर दें तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द वेलोसिटी एट वेंचुरी। तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अपने लिक्विड की वेलोसिटी का पता लगा सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वेंचुरी मीटर। अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस की। तो इसका एडवांटेज ये है कि इसको हम, अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, ओरिफाइस के कंपेयर, ओरिफाइस में क्या होता है, ओरिफाइस में आपका सडन कॉन्स्ट्रिक्शन, सडन ये किया जाता है जो चेंज किया जाता है, यहाँ पर हम सडनली करते हैं जो एक कॉन्स्ट्रिक्शन लेके आते हैं, ठीक है। तो ये सडन कॉन्स्ट्रिक्शन लाने की वजह से क्या है, ये आपका थोड़ा सा आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, ठीक है। लो हेड स्पेस की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ज्यादा हेड स्पेस नहीं चाहिए, ओके, लो हेड स्पेस रिक्वायर्ड है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वेंचुरी मीटर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।